नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। अक्सर विवादों से जुड़े रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा एक और विवादित बयान दिया गया। उनका ये कहना है कि भाजपा और बजरंग दल आईएसआई के लिए जो है वो पैसा लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं। इसके बाद भाजपा के स्टेट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अविनाश राय खन्ना द्वारा उन पर पलटवार करते हुए कहा, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। बेतुका और ना समझा, और मैं कहूंगा कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय भक्त संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने देश के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और हमें इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। हम लोग 303 सीटें जीतकर पार्लियामेंट में आए हैं। और कांग्रेस का जो हाल हुआ है आप सब जानते हैं। जिस ढंग से कांग्रेस को देश ने रिजेक्ट किया है, वो एक अपोजिशन पार्टी बनने के भी काबिल उनको नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोग अगर ये स्टेटमेंट देंगे, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए क्या वो दिग्विजय के बयान से सहमत है या नहीं। अगर सहमत है तब वो हमें उनसे भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं सहमते तो उनको पार्टी से निकालना चाहिए। बीजेपी और बजरंग दल पे तो धावा बोला है, जुबानी जंग तो छेड़ दी है, लेकिन कहने की गैर मुस्लिमों को या फिर हम कहें हिंदुओं को सीधे तौर पर सवालों के घेरे में लाया है और कहा है कि आईएसआई के लिए जासूसी करते जो पाकिस्तान में। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है कि एक राष्ट्रीय भक्त संगठन है, हमें इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारी पार्टी में हर समाज के लोगों का जो है रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग जिम्मेवारी के पोस्टों पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम भी, ईसाई भी, सिख भी, हर धर्म के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं और मंत्री भी हैं।